अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अबू धाबी गए थे, तो मस्जिद जाने से पहले हम लोग गए थे। तो ये एक अलबैती सेंटर है, शॉपिंग सेंटर है। जैसे वेयर हाउस होता है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे जैसे मॉल में कैसा सिस्टम होता है, कपड़ों का सेक्शन अलग और यूटेंशियल का सेक्शन अलग और बच्चों का टॉयज़ का सेक्शन अलग, सारी चीज़ें हाउस होल्ड का सेक्शन अलग, तो वैसे अलग अलग सेक्शंस थे। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, वेयर हाउस का बहुत बड़ा ही मॉल नहीं है, वेयर हाउस है। तो बहुत अच्छा था। तो एक एक सेंटर एक जगह था जहाँ पर 1 to 10 मतलब 1 to 10 दिरहम की चीज़ें थी, और सॉरी 1 दिरहम में थी, 2 दिरहम में थी। तो मैं भी आके आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें थी। वो 1 दिरहम में अलग, 2 दिरहम में अलग, फिर 2 से लेकर 4 दिरहम में थी, फिर 5 to 10 दिरहम्स में थी। अलग अलग क्वालिटीज़ की अलग अलग चीज़ें थी, तो बहुत अच्छी अच्छी भी चीज़ें थी। तो यहाँ देखिए, अभी आपको आगे दिखाई देगा, बहुत बड़े बड़ी चीज़ें थी। पर देखिए, ये जो की चेन से सब 1-1 दिरहम्स के ये आइटम है पूरे, जो जितने भी लगे हुए हैं, मतलब 2 to 4 दिरहम्स में है। 1 और 1 दिरहम्स का अलग है, 2 दिरहम्स का अलग है। ये देखिए बाजू में उधर लिखा भी है 1 दिरहम्स आइटम्स, मतलब जो भी लो सारी चीज़ें 1-1 दिरहम की। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी। ये सारे पाउच देखिए 1-1 दिरहम के हैं, और यहाँ देखिए ये स्पूनस भी 1-1 दिरहम का 1-1 है। तो यहाँ देखिए इस जो क्लिप्स है, ये भी सारे 1-1 दिरहम्स के हैं, ये भी 1-1 दिरहम का है। तो ऐसी बहुत सारी थी, बच्चों के क्लिप्स थे, हेयर बैंड्स था, पाउच थे, बहुत सारी चीज़ें 1-1 दिरहम्स की। तो कोई कोई चीज़ें बहुत अच्छी भी थी और कोई कोई चीज़ ठीक थी, 1 दिरहम में और क्या चाहिए, वैसे टाइप की थी। सेक्शन है, 3 दिरहम का सेक्शन से। तो क्वालिटी के हिसाब से है ये, जैसा पैसा वैसी चीज़ उस हिसाब की है ये। तो ये टॉय सेक्शन है, ये 5 to 10 दिरहम के अंदर का सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें थी, स्लाइम जो होता है जो बच्चों का रबड़ के साथ खींचते, वो मास्क वगैरह थे, टॉयज थी, मतलब कार्स वगैरह थी। यहाँ पे सब सामान कितने, तो ये गिटार्स वगैरह जैसे गिफ्ट्स वगैरह देना है, बच्चे तोड़ फोड़ के बराबर कर देते, तो उनके हिसाब से यही वाली चीज़ें सही है, सस्ती भी और अच्छी भी। ज़्यादा महंगा दिला के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रखते ही नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, ये लोग तो चीज़ें बटोलने में लगे हुए थे, ये दिलाओ वो दिलाओ। ये देखिए मास्क वगैरह कैसे फेंक रहे, और वहाँ देखिए वो मलिहा लगा के भी खड़ी हो गई है, पागल। Thank you.
आपको देखने मिलेगा, बड़े बड़े बाउल के, स्टील के, सब क्वालिटी, फ्लैट तवा, जो डोसा तवा, सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम से सजाया था। जैसे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उसके अंदर पूरे सेक्शन लगा के रखे हुए थे, तो ये ऐसा है कि ऐसा वेयर हाउस मैंने फर्स्ट टाइम में देखी थी। छोटे बड़े पिल्लो जो होते हैं, राउंड वाले होते हैं, वो सारे साइज़ के थे, और बहुत बड़ा है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। एक साइड में मतलब फ्लावर्स वगैरह भी थे, जो इधर ज़्यादातर शोपीस के हिसाब से रखते हैं, और कालीन भी बहुत अच्छी अच्छी थी, पर मुझे भी कालीन लेना था पर मैं नहीं ले पाई, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा था वो कालीन का, और 150, 250 या 300 के रेंज में बहुत अच्छी अच्छी कालीन थी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, और शायद टैग्स भी रखे लगे होंगे तो आपको दिखेगा, जो तुर्की डिज़ाइन होती है, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की। फिर यहाँ पे हमारा घूमना हो गया था, तो हम लोग दूसरे मॉल में गए थे, वो भी ऐसे ही था, मतलब वो भी जैसे कैसे बताऊँ, गिफ्ट मार्केट वगैरह होता है उसी टाइप का था, मतलब सारी चीज़ें सही प्राइस में थी, पर थोड़ा सा दूसरी जगह से कॉस्टली भी थी, और फिर वैरायटीज़ में भी बहुत फ़र्क था। तो आपको नज़र आएगा, तो हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए। तो यहीं पे हम लोग आए थे, ये भी अबू धाबी के अंदर ही है, जो वेयर हाउस में गए थे हम उससे नज़दीक है थोड़ा सा, तो इसी के लिए वहाँ पर भी चले गए कि कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएगी, तो वैसे भी हमारी शॉपिंग तो चालू थी, तो कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले लेंगे। ये जो वेयर मार्ट था ये भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ा था, और सारी चीज़ें थी, बहुत सारी वैरायटीज़ तो इतनी थी कपड़ों की, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए चार रंग में टीशर्ट वगैरह भी थी, तो शूज़ की वैरायटी बहुत सैंडल्स थी, शूज़ तो अलग अलग टाइप के, स्पोर्ट्स शूज, बच्चों के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर होता है मेरा ब्लॉग ख़त्म, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।